नमस्कार, तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा एटीएम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा हम अपने गंदे पीले दांतों को मोती की तरह कैसे चमकाएं। दोस्तों, आपने बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जो कि गुटखे का सेवन करते हैं और उनके दाँत काले और पीले हो जाते हैं। दोस्तों, और भी जिन लोगों का पायरिया होता है उनके दांत भी पीले और काले होते हैं। दोस्तों, अगर जिस व्यक्ति के दांत काले और पीले होते हैं उन्हें तरह तरह की बीमारियां होती है और मुंह से एक बहुत ही बेकार बदबू आती है। दोस्तों, जिस व्यक्ति का दांत काला होता है या पीला होता है उस व्यक्ति की सबसे पहले बीमारी होती है पेट में, क्योंकि जो जहरीले कीटाणु है वो हमारे दांत की वजह से सीधे पेट में जाएंगे और सबसे पहले रोग उत्पन्न होगा हमारे पेट में। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं एक ऐसे रामबाण घरेलू नुस्खा बताऊंगा जो कि आप इस्तेमाल करके आप अपने गंदे पीले दांतों को मोती की तरह, एकदम बिल्कुल मोती की तरह चमका सकते हैं, वो भी मात्र 2 मिनट में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर ले और बगल में आए बेल घंटे को भी दबा दें ताकि मेरी कोई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं रेमेडी। दोस्तों, इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले जरूरत पड़ेगी दोस्तों बेकिंग सोडा की। दोस्तों, ये खाने वाला सोडा होता है। दोस्तों, ये बेकिंग सोडा हमारे घरों में बहुत ही आसानी से मिल जाता है और दुकान पर भी बहुत आसानी से मिल जाता है। दोस्तों, इसमें कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं जो कि हमारे दांतों के अंदर जो कीटाणु होते हैं उन्हें ये हटाने में, निकालने में मदद करता है। दोस्तों, इसमें सोडियम की मात्रा होती है जो कि हमारे गंदे और पीले दांतों को साफ और चमकाने में मदद करता है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर इसकी मात्रा लेते हैं मात्र 1 चम्मच। दोस्तों, मैंने यहाँ पे ले लिया 1 चम्मच की मात्रा में बेकिंग सोडा। दोस्तों, इसके बाद से जो अगला ग्रेडिएंट मिलाने हैं वो है दोस्तों नींबू। दोस्तों, ये नींबू हर एक घरों में बहुत ही आसानी से मिल जाता है या सब्जी के मार्केट में भी बहुत आसानी से आपको ये मिल जाएगा। दोस्तों, इस नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है जो कि हमारे दांतों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो दोस्तों, हम यहाँ पे 1 चम्मच की मात्रा में ले लेते हैं नींबू जूस, लेमन जूस। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे ले लिया 1 चम्मच की मात्रा में लेमन जूस। दोस्तों, ध्यान रहे जूस निकालते वक्त आपको बीज नहीं मिलाने हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे ले लिया 1 चम्मच की मात्रा में नींबू जूस, लेमन जूस। दोस्तों, जब हम इसमें लेमन का जूस मिलाएंगे तो ये हल्का सा झाग सा बन जाएगा। दोस्तों, इसके बाद से हम अगला चीज़ जो मिलाने हैं वो लेने हैं दोस्तों हमें सरसों का तेल। अगर कितना भी पुराना दांत गंदे और पीले हो गए हो, बहुत पहले से हो गए हो, तो ये आपको सरसों का तेल बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होता है जो कि हमारे गंदे पीले दांतों को ये चमकाने में इसकी अहम भूमिका होती है। तो दोस्तों, हम यहाँ पे ले लेते हैं मात्र 1/2 चम्मच की मात्रा में सरसों का तेल। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर ले लिया मात्र 1/2 चम्मच की मात्रा में सरसों का तेल। दोस्तों, अब हम इसका पेस्ट तैयार करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा पेस्ट बनकर बिल्कुल ही तैयार हो गया है। चलिए अब हम जान लेते हैं प्रयोग करने की विधि। ब्रश में आपको ऐसे लगा लेने हैं, ब्रश में ऐसे लगा लेने हैं जैसे कि आप कोलगेट लगाते हैं और सीधे इसको दांतों पर ऐसे अप्लाई करने हैं। दोस्तों, अगर आप इस नुस्खे को मात्र 1 दिन अजमाते हैं और वो भी मात्र 2 मिनट, तो आपके भी गंदे पीले दांत मोती की तरह चमकने लग जाएंगे। तो दोस्तों, अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय।